क्लासरूम्स में बैठे बच्चों की क्या जरूरियात है, बच्चों को कैसे सिखाया जाए और जिंदगी की क्या जरूरियात है। क्वेटा के बॉय स्काउट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और इदारा बराए निसाब बलूचिस्तान की जानिब से तलबा तलबात के लिए दो रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार का मौजू क्लासरूम्स के अंदर मौजूद बच्चों के मसाइल, असाज़ा के पढ़ाने का तरीकाकार, जिंदगी की जरूरियात और क्लासरूम्स की रियलिटी है। इसमें हम बच्चों से उनके मसाइल पूछेंगे। पहले हम बड़े बैठ कर ये तय करते हैं कि ये बच्चे का मसाला है और ये उसका हाल है। इस बार मुनफरिद ये इसलिए है कि बच्चा खुद बैठेगा, बच्चा खुद अपना मसाला बताएगा और बड़े उसका हाल निकालेंगे। पहले हम बड़े बैठकर ये फैसला करते थे कि हम अज्यूम करते थे ये कि ये बच्चे का मसाला होगा, ये उसका हल है। लेकिन इस बार इनफरादियत इसकी ये है कि बच्चा खुद बैठा होगा, बच्चा खुद सवाल करेगा, चाहे वो मिनिस्टर लेवल का हो, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो, चाहे वो टीचर के लेवल का सवाल हो। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर दो रोज़ा सेमिनार के पहले दिन क्वेटा के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने शुरुआ के सामने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया और शुरुआ से खूब दाद भी वसूल की। बलूचिस्तान का तालीमी निज़ाम, असाज़ा, टेक्स्ट बुक और निसाब के अंदर मौजूद मुश्किलात के हल के लिए सेमिनार में मुख्तलिफ माहिरीन को भी मदऊ किया गया, जिन्होंने मुफसिल अंदाज में मुख्तलिफ अवामिल की तरफ तवज्जो दिलाई। आपकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपकी लर्निंग स्टाइल और आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनके हवाले से डिफरेंसेस जो हैं वो देखे जाते हैं या नापे जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि बुक्स की गलतियाँ और ख़ास तौर पर निसाब पर ज़रा गौर करके बनाया जाए, कॉम्पिटेंट लोगों से निसाब को तरतीब दिया जाए। बलूचिस्तान में 65% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें 73% बच्चे और 83% बच्चियाँ शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक तालीमी निज़ाम को बेहतर करने और बच्चों को स्कूल की जानिब लाने के लिए तालीमी निज़ाम में मौजूद खराबियों को दूर करने की अशद ज़रूरत है। खालिद खान, डेली कुदरत, क्वेटा।